नमस्कार, आइए आज एक नए विषय के साथ आपके सामने उपलब्ध हूँ। कृष्णा सागर जी उपस्थित हो गए हैं, लक्ष्मण सिंह उपस्थित हो गए हैं, शशि कुमार भी उपस्थित हो गए हैं, योगेश महाजन जी सब समय पर चिकित्सक उपस्थित होते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। कल हम लोगों ने अतत्वाभिनिवेश के बारे में चर्चा की थी, आज व्याधि क्षमत्व के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी, उन्होंने पूछा है कि मधुमेह में सायंकाल फल सलाद सब्जियां का सेवन करें तो क्या साम निराम का परीक्षण भी करना पड़ेगा? चूंकि ये हल्के आहार हैं, अगर सामावस्था में भी ये आप सब्जी सलाद आदि का सेवन करते हैं तो कोई उसमें परेशानी नहीं आने वाली, बल्कि निराम अवस्था ही इनसे प्राप्त होगी। इसे बड़े आराम से सायंकाल लौकी का जूस बनाकर या लौकी की सब्जी बना करके रात्रि में 7 और 8 के बीच आप ले लें। अगर आपको लगता है तो एकाध कोई फ्रूट का भी सेवन आप कर सकते हैं। मैं स्वयं 2 माह से लौकी जूस पर हूँ, रात्रि में सिर्फ लौकी जूस ही लेता हूँ, प्रातःकाल कॉर्नफ्लेक्स दूध बादाम अखरोट ये लेता हूँ, दोपहर को मात्र 2 रोटी। प्रयास ये करता हूँ कि ज्वार की या बाजरा की या चने की रोटी प्राप्त हो, कभी कभार गेहूँ की रोटी भी ले लेते हैं, लेकिन 2 रोटी छोटी छोटी, और सलाद का अत्यधिक मात्रा में सेवन। शाम को 4-5 बजे आप फ्रूट ले सकते हैं और रात्रि में सब्जी, खास तौर से लौकी की सब्जी। मैंने देखा, मुझे डायबिटीज़ है, मेरी पहले मैंने दोपहर की जो औषधि थी वो छोड़ दी, फिर इसके बाद सायं जो मैं औषधि लेता था वो भी छोड़ दी, आज मैं सिर्फ डायवेकॉन टेबलेट 2 गोली सुबह शाम ले रहा हूँ, बाकी सारी एलोपैथिक दवाइयाँ छूट गई जो डायबिटीज़ के लिए हम लेते थे। तो इसलिए ये आप अपने सारे पेशेंट को आप ये सलाह दे सकते हैं कि सायंकाल आप अन्न का सेवन ना करें, और रोजाना योगाभ्यास, पैदल घूमना, पैदल दौड़ लगाना पसीना आने तक ये जरूर करें, और नहीं तो योगाभ्यास, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार ये जरूर करें, ये मधुमेह के लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा प्रश्न उनका था कि आमल की रसायन या आंवला का कोई भी योग दुग्ध के साथ दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। सामान्यतः ये भ्रम रहता है कि आंवला या अम्ल के द्रव्य के साथ यदि दुग्ध लेंगे तो नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप दूध के साथ आंवले की योग आप बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। डॉक्टर प्रदीप देवांगन, जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं, उनका एक पेशेंट COVID-19 से ग्रसित है, प्रभावित है। कोविड तो शायद ठीक हो गया है उनका, लेकिन लंग्स बहुत कमजोर हो गए हैं, ऑक्सीमीटर में 92 से 96% ऑक्सीजन पेशेंट में है। भोजन के बाद इनका शुगर 210 हो जाता है, चलने में सांस फूलती है, भरती है, क्या चिकित्सा करना चाहिए? तो निश्चित बात है कोविड के बाद इस प्रकार की परेशानियां पेशेंट में होती हैं,
तो लंग्स को मजबूत करने के लिए मुलैठी, गिलोय और कंटकारी, मुलैठी, गिलोय और कंटकारी तीनों को बराबर बराबर मात्रा में योगकुट कर लें। 4 चम्मच दवाई लगभग 20 ग्राम और 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पका लें। ऐसा 1 कप सुबह शाम को दोनों टाइम पेशेंट को देवें। इसके अलावा एक चूर्ण बना लें जिसमें दालचीनी, हल्दी, गिलोय और अश्वगंधा, इनका बारीक चूर्ण तैयार कर लें। 1 चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम पेशेंट को देना चाहिए। च्यवनप्राश का सेवन बहुत ही उपयोगी है, 1 चम्मच सुबह शाम को जरूर लेवें। आमल की रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ब्राह्मी ओले का भी प्रयोग आप ऐसे पेशेंट में कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, रात्रि में अन्न न खाएं, लौकी और फल का ही सेवन करें तो जो भोजन के बाद शुगर बढ़ रही है वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। हल्का फुल्का व्यायाम करें, प्राणायाम कराएं, सूर्य नमस्कार कराएं, क्योंकि जितना हम भोजन करते हैं, जितनी कैलोरी हम खाते हैं, उसका खर्च होना बहुत आवश्यक है। आजकल कोरोना के ज़माने में बाहर निकलना भी बहुत कम हो गया लोगों का, इसलिए घर में ही जितना संभव हो उतना पेशेंट में व्यायाम रोगी को कराना चाहिए। अगर शुगर फिर भी ठीक ना हो, माँ मज्ज घनबटी 2-2 गोली दिन में 2 बार प्रयोग करा सकते हैं। टैबलेट डाइबेकॉन 2 सुबह 2 शाम को आप ले सकते हैं। एमरी प्लस ग्रेन्यूल्स एक आता है, वो भी बहुत ही उपयोगी है, 1 चम्मच सुबह भोजन के पहले, इसे डायबिटीज निश्चित रूप से कंट्रोल हो जाएगी। 210 कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आहार के द्वारा ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर अनुराधा रेड्डी, पंचकर्म व्याख्यान जो प्रारंभ किया जा रहा है वो बड़ा ही लाभप्रद होगा हम लोगों के लिए, ऐसा उनका मानना है। तो जैसे आपको मालूम है, कल से पंचकर्म के व्याख्यान प्रारंभ होंगे। कल इंट्रोडक्टरी, पंचकर्म क्या है, पंचकर्म कौन से हैं, पंचकर्म 5 ही क्यों हैं, पंचकर्म में समय कितना लगता है, अष्ट महादोष कर भाव कौन है, जो आवश्यक चीज़ें हैं पंचकर्म के संबंध में वो जानना आवश्यक है, तो कल उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों से यही अपेक्षा है कि जो व्याख्यान हुआ उसी से संबंधित प्रश्न पूछें, ताकि एक बार में सारी बातें क्लियर हो जाएं। प्रश्न जरूर पूछें, आधा घंटे का लेक्चर रहेगा और शेष आधा घंटे में डिस्कशन होगा। और आप सभी अपने साथियों को भी सूचित करें कि कल से 4 बजे ये कार्यक्रम चालू होगा। जूम पर यह कार्यक्रम होगा, डॉक्टर नवीन जोशी जी ने आपको ब्रोशर भेजा ही होगा, तो उसमें आईडी नंबर और कोड नंबर अंकित है, कल आप समय से उपस्थित हो जाएं। डॉक्टर सोनल पटेल, उनकी इच्छा है कि डॉक्टर पाठक और मैं अर्थात डॉक्टर निगम दोनों मिलकर के पंचकर्म का प्रशिक्षण दें हम लोगों को, तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, कोरोना के बाद शायद ऐसा समय आ जाए, ऐसा कई लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पंचकर्म प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए, तो वो जरूर करेंगे। और आपकी जो मंशा है, भगवान करे वो पूर्ति हो। डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा जी, उन्होंने सिस्टाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। ये एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन है जो कि ब्लेडर में हो जाता है, और इसका मुख्य कारण है ब्लेडर में इन्फेक्शन का हो जाना, और इस कारण से यह बहुत ही सामान्य अवस्था है यूटीआई की, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है, ज़्यादातर स्त्रियों में यह ज़्यादा इन्फ्लेमेशन पाया जाता है।
पर जब यह इन्फेक्शन ब्लेडर के थ्रू किडनी में पहुंच जाता है तो बड़ी सीरियस प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। सिस्टाइसिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लेडर यूजुअली कॉज्ड बाय अ ब्लेडर इन्फेक्शन। इट इज अ कॉमन टाइप ऑफ यूटीआई पर्टिकुलरली इन वोमेन। और जैसा मैंने बताया कि यह इन्फेक्शन यदि किडनी में पहुंच जाए तो फिर गंभीर परिणाम पेशेंट में हो सकते हैं। इसलिए जैसे ही यूटीआई का पेशेंट आए तो यूटीआई का ट्रीटमेंट आपको तत्काल करना चाहिए। पहले तो जो जल ले रहे हैं पानी को सौंफ के साथ सिद्ध कर दें। मान लीजिए 1 लीटर पानी है तो 50 ग्राम सौंफ योगर्ट करके डाल दें और इसको एक बॉईल होने तक पका लें, फिर उसको छान लें और इसी पानी को दिन भर पिएं और अधिक मात्रा में पिएं। इससे बहुत ही पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। खाने में तली मली चीज़ें बेसन मिर्ची ये सब बंद कर दें। औषधियों में वरुणादिक्वाथ 20 ml दिन में 2 या 3 बार सेवन कराएं। चंद्र प्रभावटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को पानी के साथ। उशीरासो 4 चम्मच 4 चम्मच पानी भोजन के बाद। आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। ये आप ट्रीटमेंट लगातार 2 महीना तक करें तो ये जड़ से यूटीआई खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होता है। अब वो खास तौर से गंदगी की वजह से साफ सफाई अच्छी तरह ना होने से ये इन्फेक्शन हो जाता है, और एक बार यदि इन्फेक्शन हुआ तो बार बार इन्फेक्शन होते रहता है। ऐसी अवस्था में आप वरुणादिक्वाथ और तृण पंचमूल इनका काढ़ा बना लें 300 ml और शतावरी घृत 50 ग्राम 50 ग्राम शहद यवक्षार 10 ग्राम 5 ग्राम सैंधव ये सब मिलाकर विधिवत बस्ती का भी प्रयोग आप इसमें यूटीआई में कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया पानी अधिक मात्रा में लें और भोजन साफ सुथरा हो, बासी खाना मत खाएं या कोई ऐसा वातावरण आपके आसपास ना हो जिससे आपको इन्फेक्शन हो जाए, इसका आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर प्रतीक पटेल ने इच्छा जाहिर की है कि जो आपके द्वारा सक्सेस केसेस हैं जो आप ठीक कर चुके हैं उनके बारे में कभी डिस्कशन करिए और हम संप्राप्ति कैसे निर्माण करें, औषधि का चयन कैसे करें। वास्तव में यह बात आपकी सही है कि आज पेशेंट डायग्नोस होकर आता है, विभिन्न प्रकार के परीक्षण एक्सरे और अन्य आधुनिक परीक्षण कराकर पेशेंट आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत होता है। वो पेशेंट कहता है कि मेरे को टीबी है या राजक्षमा है या दमा की बीमारी है या डायबिटीज है या अन्य कोई बीमारी जिसका नाम नहीं ले पाता। अक्सर हमारे जो एलोपैथिक चिकित्सक हैं वो डायग्नोस नहीं करते, वो सिर्फ सिम्टम्स लिखते हैं और सिम्टम्स के आधार पर वो ट्रीटमेंट देते हैं। आयुर्वेद में ये प्रयास किया जाता है कि डायग्नोसिस करें, रोग का नाम लिखें, फिर औषधि लिखें। लेकिन यदि आप रोग का नाम ना भी दे सकें तो आप लक्षण तो आपको मिलेंगे ही पेशेंट से, लक्षणों के आधार पर कारणों का ज्ञान कर सकते हैं, कारणों के आधार पर दोष का ज्ञान कर सकते हैं, कहां से समुत्थ व्याधि है, पक्वाशय समुत्थ है कि आमाशय समुत्थ है, यह भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि कुष्ठ अध्याय में कहा गया है, कुष्ठ विशेष ही है दोषाह, दोष विशेष ही है पुनः कुष्ठानी, ज्ञायन्ते तैर हेतु हेतु तांस प्रकाशयति।
यानी याद या सिम्टम आपको पता चल गए तो आप कारणों का पता लगा सकते हैं, दोष का पता लगा सकते हैं, किस स्थान से रोग उद्भव हुआ है वो भी पता लगा सकते हैं, और ये सब पता लगा करके आप ट्रीटमेंट की योजना बना सकते हैं, संप्राप्ति घटक बना सकते हैं। आप सही है कि संप्राप्ति बिना जाने अच्छी चिकित्सा आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए संप्राप्ति घटकों का ज्ञान, जैसे मैंने बताया लक्षण प्राप्त है तो दोष का ज्ञान हो जाएगा, दोष का ज्ञान है तो दूस का ज्ञान हो जाएगा, तो दोष दूस स्रोतस अग्नि व्याधि क्षमत्व, व्याधि चिरकारी है कि शीघ्रकारी है, समुत्थान कौन सा है, स्रोत दृष्टि किस प्रकार की है, ये सब आपको पेशेंट के लक्षणों के आधार पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और चरक ने तो बड़ा स्पष्ट कहा है कि नामकरण देने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप नामकरण न कर पाए रोगों का तो उनके लक्षणों के आधार पर दोष का ज्ञान, दूष का ज्ञान, स्रोतस ज्ञान करके आप संप्राप्ति का निर्माण कर सकते हैं। विकारा नाम अकुशलो न जीवाद कदाचन न ही सर्व विकारा नाम नाम तो अस्ति ध्रुवा स्थिति सयोग कुप्तो दोषा समुत्थान विशेषता स्थानांतरण गतस्य जन्यत्यामयन बहु तस्माद विकार प्रकृति अधिष्ठानांतराणि च समुत्थान विशेषा से बुद्ध्वा करो समाचरित। ये जो चरक का वाक्य है वो आपको याद रखना चाहिए, इसके आधार पर आप संप्राप्ति घटक का निर्माण करें और उसी आधार पर संप्राप्ति विघटन करने के लिए चिकित्सा सिद्धांत तय करें। आपको समान चिकित्सा सिद्धांत मालूम ही होना चाहिए, वातस्यानुजैद पित्तम पित्तस्यानुजैद कफम त्रयाणाम व जैद पूर्वम यो भवेद बलोत्तम या संसर्गे यो गरीयान स्याद उपक्रम स्याद वही भवेद शेष दोष विरोध है न सन्नपाते न तथा विचार शीतोष्ण कृतान रोगांच संयंत विषक विदाह एचा शीत कृता रोगा तेषाम चौषण भिषितम विपरीत गुण ही दोषे है। तो इस प्रकार बहुत सारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उनको अपनाते हुए चिकित्सा सिद्धांत स्थापित करना चाहिए, तदनुसार फिर दोषानुबंध और दोष का ज्ञान करके, दूष का ज्ञान करके औषधियों का चयन आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा कि कोई भी रोग हो उरुस्तम को यदि छोड़ दें, सब में पहले आपको संशोधन कर्म कराना है, पंचकर्म कराना है। पंचकर्म करने के पश्चात जैसा एक सिद्धांत है कि जब दोष शाखागत हो जाते हैं तभी रोग उत्पत्ति करते हैं, इसीलिए आचार्य चरक ने कहा है कि शाखा से दोषों को पहले कोष्ठ में लाओ और जब कोष्ठ में आ जाए तब बवन और विरेचन के द्वारा या वस्ति के द्वारा आप शरीर से बाहर निकाल दें। वृद्धा विसन्नाद पाकाद स्रोतो मृग शोधनाथ शाखान मुक्ता मलाह कोष्ठम यांति वायु से निग्रहात, और यह पंचकर्म से संभव है, स्नेहन स्वेदन से संभव है। और इसके बाद फिर आप जो नजदीक का मार्ग है वहां से उन दोषों को निकाल सकते हैं। इसलिए हमको पेशेंट का लक्षणों का ज्ञान बहुत ही अच्छे ढंग से करें ताकि आप दोष दूष स्रोतस आदि का ज्ञान भी प्राप्त कर सकें, तदनुसार आप चिकित्सा की योजना आप बना सकते हैं। डॉक्टर जगपाल सिंह, उनका विटिलिगो का पेशेंट है, मैंने एक उनको काढ़ा बताया था, मल्पु असनम प्रियंगु सत्पुष्पाम चामसा समुत्क्वात पलासम वाक्षारम फणितो वेदम यथाबलम मल्पुरस अर्थात कठगुलर। कठगुलर चूंकि कन्फ्यूजिंग है कि ये मल्पुरस है कि नहीं, आचार्य चक्रपाणि ने इसको कठगुलर माना है, तो कठगुलर, विजयसार, बड़ी सौंफ और प्रियंगु, और मैंने अमलतास भी बताया था, इनको बराबर मात्रा में लेके काढ़े का सेवन लगभग 2-3 माह तक करें, इससे काफ़ी आराम प्राप्त होता है। लेकिन उसके पहले और भी मैंने बताया था, सूत्राणाम सविशेषम योक्तव्यम सर्वतो विशुद्धा नाम, जो कुष्ठ में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है शोधन की, बहुदोषा संशुद्ध कोष्ठी बहुसो अनुरक्षता प्राणान
दोसे हति मात्रा हरते वायु हन्याद बलम आशु वातोत्तरेषु सर्पी बमनम श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनम चाग्रे। अर्थात पहले संशोधन कराएं, संशोधन कराने के पश्चात फिर जो श्वेत कुष्ठ की विशेष चिकित्सा है वो करें। तो पहली चिकित्सा क्या है? सूत्राणाम सविशेषम योक्तव्यम सर्वतो विशुद्धानाम सूत्रे संसरम अग्रे मलपूरस इस्ते सागुडा। मलपूरस अर्थात कटगुलर अथवा अमलतास गूदा गुड़ में मिला करके, करीब 20 ग्राम गूदा गुड़ में मिला करके इसका सेवन करना है। इससे संसम कर्म होगा अर्थात विरेचन कर्म होगा। ये आपको 3 दिन तक देना है। फिर 3 दिन धूप में रोगी को बैठालना है। बैठालने के पहले मैंने बताया था कि मूली बीज और वाकुची, वाकुची यदि आपने 200 ग्राम लिया है तो 400 ग्राम मूली बीज, यानी मूली बीज डबल। क्योंकि अगर वाकुची सिर्फ लगाएंगे या ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे तो उस स्थान में फफोले जो पड़ते हैं वो ज़्यादा मात्रा में पड़ेंगे। इसलिए हमेशा मान लीजिए 100 ग्राम आपने वाकुची लिया तो 200 ग्राम आपको मूली बीज चूर लेना है और इसका बारीक चूर्ण कर लें। और फिर इसमें 2 चम्मच या जितना एरिया है उसके आधार पर औषधि ले करके और गौमूत्र में इसको अच्छी तरह पीसें, पेस्ट बनाएं और इसका लेपन करें। कम से कम 3-4 घंटा वो लेप लगा रहना चाहिए। आप देखेंगे 2-3 दिन बाद फफोले वहाँ पर पड़ने लगते हैं, तो घबराएं नहीं। उसके ऊपर आप चाल मोगरा तेल ऊपर से लगाएं या सतदौत घृत हो वो लगाएं और ये लगातार 7 दिन तक ये प्रक्रिया करना चाहिए या 15 दिन तक भी कर सकते हैं। और धूप में थोड़ी देर बैठाएं और इस काढ़े का सेवन करें। इसके अलावा जो औषधि आप देते हैं वो औषधि भी देवें। इसमें शिलालेख भट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरोग्यवर्धनी शिलालेख भट्टी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को आप देते रहें। बाकी और जो दवा प्रचलित है वो आप कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपके रोगी में, विटिलोगो में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। परहेज क्या है? तो निश्चित रूप से इसमें नमक बहुत कम मात्रा में खिलाएं पेशेंट को। विरुद्ध आहार विहार का सेवन बिल्कुल वर्जित है, जैसे नमक और दूध और भी ऐसे कि खट्टा मीठा दोनों मिला करके। जैसे आपने देखा होगा गुजराती भाइयों को कि वो चटनी बनाते हैं तो उसमें गुड़ भी डालते हैं, खट्टा भी डालते हैं। दाल बनाते हैं तो उसमें भी गुड़ डालते हैं और नमक भी डालते हैं। श्रीखंड खाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे रूटीन में आ गई हैं। विरुद्ध आहार, आजकल जो जंक फूड फास्ट फूड ये सब विरुद्ध आहार है। इसमें खट्टा भी है, मीठा भी है, नमकीन भी है, तमाम प्रकार के ऐसे मिक्स्ड बना करके जो आहार पदार्थ होता है विरुद्ध आहार होता है। तो निश्चित रूप से इसमें विरुद्ध आहार का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जंक फूड बिल्कुल ना दें। तली मली चीज़ें बहुत ज़्यादा, अमचूर का प्रयोग बिल्कुल ना करें, अचार का सेवन ना करें। खाने में 6 घंटे का अंतर रहना चाहिए। बार बार भोजन ना करें या बार बार चीज़ों को ना खाएं। कई लोगों को मैंने देखा है कि बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। उससे निश्चित रूप से जो हमारे एंजाइम्स निकलते हैं वो हर बार एंजाइम्स निकलते हैं और बार बार ऐसा करने से अजीर्ण अवस्था हो जाती है और दोषों जो की जो वृद्धि है वो हो जाती है, रोग उत्पत्ति होती है। सामान्यतः विटिलिगो में कहा जाता है कि दुग्ध न पिए। दुग्ध पीने से कुछ नहीं होता है, दूध आप ले सकते हैं, लेकिन नमक का परहेज, खट्टी चीज़ों का परहेज और विरुद्ध आहार का सेवन, ये परहेज जरूर आपको करना चाहिए। और साथ साथ में जो पंचकर्म मैंने बताया, पंचकर्म जरूर कराएं। और पंचकर्म में भी जो वर्ज्य विषय हैं उनका भी निषिद्ध करना चाहिए, नहीं तो पंचकर्म से लाभ की जगह। आपने देखा होगा कि प्रत्येक रोग के कारण में ये शब्द है, पंचकर्म का ठीक से न किया जाना इसकी वजह से रोग उत्पन्न होते हैं। तो यदि पंचकर्म आपने ठीक नहीं किया, मेरे पास कई से ऐसे उदाहरण हैं, क्योंकि VVIP के पंचकर्म करने में बड़ी तकलीफ होती है, उनको पास समय नहीं रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, उच्चैर भाषम रथ क्षोभम अति चंक्रमणासने अजीर्ण अहित भोज्य चा देवा स्वप्नम च मैथुनम, ये जो अष्ट महादोष कर भाव हैं
वो बिल्कुल जिन व्यक्तियों में पंचकर्म कराए उनको बिल्कुल नहीं कराना है। संसर्जन क्रम का भी नियमित रूप से पालन करना है। उष्णोदकोपचारी साध ब्रह्मचारी क्षपाश्यः सक्रन मूत्रो अनुद्गार अनुदीर्णा से धारियत व्यायामम उच्चैर वचनम क्रोध शोको हिमा तपौ वर्जेर प्रवातम च सेवे सैनासनम। ये जब विधिपूर्वक अपनाए जाते हैं नियम तो निश्चित रूप से पंचकर्म से विशिष्ट लाभ प्राप्त होता है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा विटिलगो में पहले संशोधन कराएं और उसके बाद ट्रीटमेंट करें। दूसरा साध्यासाध्यता भी देख लें। असाध्य जो एक वर्ष का हो गया हो, जिसके जो मंडल हैं वो एक दूसरे से मिले हुए हों, अवकाश कुछ ना हो। यत परस्पर तुम अभिन्नम बहु यत रक्तलोमवत यत च गर्वस्पन्नम तत् शुद्धम नैव सिद्ध्यति। ऐसा शुद्ध जो है साध्य नहीं है। और अरक्तलोम तन्यत पानु नाति चरुतम मध्यावकाश हो सोचो तत् सूत्रम साध्य मुचित। इफेक्टेड पार्ट में यदि रोम सफेद न हुए हों, ताम्रवर्ण के न हुए हों तो साध्य है। एक वर्ष का विटिलगो साध्य है। तो ये भी देख करके हमको ट्रीटमेंट पेशेंट में करना है। हमारे साथ बहुत सारे चिकित्सक प्रतिदिन जुड़ते हैं, जैसे डॉक्टर प्रकाश सिंह जी, डॉक्टर वंदना पाठक, डॉक्टर सुनील रातोरी, डॉक्टर राजकुमार जी, डॉक्टर सोनल पटेल, डॉक्टर सपना डिमरी, डॉक्टर भंडारी जी, गुमान सिंह भंडारी, डॉक्टर कृष्णा सागर, डॉक्टर नीलम शुक्ला, डॉक्टर रूपाली देशमुख, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर के एन गंगवार, डॉक्टर आशुतोष कुमार, डॉक्टर विनय मित्तल, डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा, डॉक्टर आर बी प्रजापति, डॉक्टर विकास चौधरी जी, डॉक्टर विवेक भरद्वाज, स्वाति दुबे जी, बलविंदर सिंह मलिक, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर अरुण शर्मा, डॉक्टर हेमलता जी एस, डॉक्टर रमा वैश्य, डॉक्टर सलोनी गुप्ता, डॉक्टर संजय जी, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर संध्या पांडे, गौतम सिंह भंडारी, अवधेश कुमार जी, स्वास्तिक दुबे जी, सुनील रातोरी जी। तो देश के विभिन्न स्थानों से प्रतिदिन हमारे प्रिय चिकित्सक जुड़ते हैं और व्याख्यान का लाभ उठाते हैं। आज हम व्याधि क्षमत्व इम्यूनिटी पर चर्चा करेंगे। इम्यूनिटी का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, एक व्याख्यान में कंप्लीट नहीं हो सकता, पर एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं आयुर्वेद के दो प्रयोजन हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और जब विकार उत्पन्न हो जाए तो चिकित्सा करना। आयुर्वेद में सबसे पहले स्वास्थ्य रक्षा करने के लिए विशेष ध्यान दिया है। स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, सद्व्रत का पालन, आचार रसायन का पालन, इन सब बातों का उल्लेख किया गया है ताकि आपका व्याधि क्षमता तो इम्यून सिस्टम ठीक रहे। प्राचीन काल में संक्रमण रोग का ज्ञान था, इसीलिए आपने चरक में देखें तो जनपदो ध्वंस का वर्णन आचार्य चरक ने वर्णन किया है। इससे ये पता चलता है कि पहले जनपदो ध्वंस अर्थात संक्रमण जन व्याधियों का ज्ञान था। सुश्रुत को भी ज्ञान था और उन्हें कहा था कुष्ठ, ज्वर, राजक्षमा, अक्षी रोग ये इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं और उसके तरीके भी बताए गए। प्रसंगात गात समूह स्पर्शात नहीं स्वाद सह भोजनात् एक सैया आसनास्य वस्त्र माल्यानुलेपनात् कुष्ठम ज्वर से सोसस्य नेत्राभिसंदेव च औपसर्गिक रोगांश संक्रामंती नरा नरम। तो पहले संक्रमण का ज्ञान हमारे आचार्यों को था। आइए व्याधि क्षमत्व की परिभाषा के बारे में जाने। व्याधि क्षमत्व वह शारीरिक शक्ति है जो शरीर में उत्पन्न होने वाले व्याधि के बल को बढ़ाती है तथा व्याधि की उत्पत्ति को रोकती है। इसको हम व्याधि क्षमत्व कहते हैं। हानिकारक जीवाणु जैसे ही शरीर में प्रवेश करते हैं तत्काल व्याधि क्षमत्व तंत्र जो है सक्रिय हो जाता है, जिससे रोगों की रक्षा होती है, रोगी की रक्षा होती है। शरीर की
इसी शक्ति को व्याधिक समत्व कहा जाता है। शरीर के अंदर लिम्फोसाइट्स बाहरी रोगाणु को भक्षण कर लेते हैं, इसी क्रिया को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं, इसलिए रोग उत्पन्न नहीं हो पाते। इसके अलावा रक्त में अन्य रक्षा तंत्र भी होते हैं, जैसे टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। ये तीन प्रकार के सेल्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं जो कि संक्रमणजन्य व्याधियों को रोकते हैं। यह एंटीबॉडी उस एंटीजन के विरुद्ध क्रियाशक्ति हमेशा के लिए अथवा कुछ जीवाणु के संदर्भ में अधिक समय तक के लिए एंटीबॉडी बना देते हैं जो कि जीवाणु के आक्रमण से बचाता है। इसी आधार पर इम्यूनाइजेशन का विकास हुआ, टीकाकरण का विकास हुआ। इम्यून सिस्टम के दो भेद हैं मुख्य, एक्वायर्ड और आर्टिफिशियल। इनके भी फिर उपभेद है, उसकी चर्चा अभी हम यहाँ नहीं करेंगे। एंटीजन, एंटीजन है क्या? एंटीजन विशिष्ट प्रकार के द्रव्य जो सेल्स के स्ट्रक्चर पर होते हैं, सरफेस पर होते हैं, जो कि एंटीबॉडी की उत्पत्ति को प्रेरित करते हैं। एंटीजन सामान्य हो तो एंटीबॉडी का निर्माण हमेशा होते रहता है और रोग उत्पत्ति नहीं होती। एंटीबॉडी क्या है? यह एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। एंटीजन से प्रेरित होकर बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये एंटीजन को नष्ट करते रहते हैं। व्याधिक क्षमत्व उत्पादक प्रमुख घटक, व्याधिक क्षमत्व उत्पादक प्रमुख द्रव्य कौन कौन से हैं आयुर्वेद के अनुसार से? पहला है प्रोटीन ग्रुप्स, इसमें मिल्क सीरम प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, पेप्टोन्स, वैक्सीन्स तथा ब्लड का ग्रहण किया जाता है। हैवी मेटल्स के अंतर्गत स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, मैग्नीज, आयोडीन और कैल्शियम, ये हैवी मेटल्स हैं जो कि व्याधि क्षमता को बढ़ाते हैं। ऑयल में तारपिन तेल, जैतून का तेल, तुवरक तेल, वाकुची तेल, ये व्याधि क्षमता को बढ़ाने वाले ऑयल हैं। आयुर्वेद के अनुसार दोष धातु मल की साम्यावस्था बनाए रखना ही व्याधि क्षमत्व का विकास करना है। आचार्य कश्यप ने व्याधि क्षमत्व बढ़ाने के लिए लेह कर्म आदि का भी उल्लेख किया है। इसके अलावा स्वर्णपाषण आज जो बहुत प्रचलित है, बच्चों में स्वर्णपाषण कराने के कारण बच्चों में व्याधि क्षमत्व उत्पन्न होता है, जिससे संक्रमणजन्य व्याधि या अन्य कोई व्याधि उनको नहीं हो पाती। औषधियों में ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, गिलोय, मुलहठी, इनका चूर्ण बनाकर के मधु के साथ निरंतर यदि सेवन करते हैं तो इससे भी बहुत ही व्याधि क्षमता बढ़ जाता है। घृतों में कल्याण घृत, ब्राह्मी घृत, वचा घृत और सारस्वता घृत, कल्याण घृत, ब्राह्मी घृत, वचा घृत और सारस्वत घृत, इनका यदि प्रतिदिन 10 ml भोजन के पहले दोनों टाइम संशमन के रूप में ये स्नेह का प्रयोग किया जाए तो अंदर के जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो व्याधि क्षमत्व है वो बढ़ जाता है। व्याधि क्षमत्व कम होने से विकार की उत्पत्ति होती है, जैसे कि प्लीहा रोग, काश, श्वास, राजक्षमा, गुल्म, अर्श, उदर रोग, अनेक प्रकार की व्याधियां। जब हमारा व्याधि क्षमत्व कम हो जाता है तो ऐसी व्याधियां उत्पन्न होती हैं। उपसर्गज व्याधियां, इसमें स्कार टेल फीवर जिसको हम हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, टाइफाइड, हूपिंग कफ, डिप्थेरिया, इरिसिफेलस, डायरिया, अतिसार जिसको कहते हैं, प्रवाहिका, गोनोरिया, सिफिलिस, मीजल्स, एड्स जैसी व्याधियां
हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं। व्याधिक क्षमता बढ़ाने के लिए रसायन औषधियों का एक विशेष महत्व है। अमल के रसायन, च्यवनप्राश या एक विशिष्ट रसायन जो चरक ने वर्णन किया है, उसका प्रयोग लगातार हमें करना चाहिए। हरित की नाम चूड़ानी सैंधवा अमल के गुणम वचा विडंग रजनी पिपली विश्व भेजम, ये औषधियों को लगातार 7 दिन दें और शोधन के अनुसार से संसर्जन क्रम 2-3 दिन का या 4 दिन का करा दें। इससे निश्चित रूप से जो रसायन के गुण हैं वो प्राप्त होते हैं। दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वया प्रभावण स्वरोदारम देहेन्द्रिय बलप्रदम वाक सिद्धिम प्रणतम कांतम लभते न रसायनात् लाभोपायु सस्तानाम रसादीनाम रसायनम, ये गुणों की प्राप्त होती है। एक और श्रेष्ठ रसायन है, वो है वर्धमान पिपली रसायन। इसके प्रयोग से न केवल अनेक प्रकार के रोग ठीक होते हैं बल्कि व्याधिक क्षमता की इतनी वृद्धि हो जाती है कि रोग उत्पत्ति उस पेशेंट में नहीं होती। शास्त्र में तो 10 पिपली, 6 पिपली और 3 पिपली, वर्धमान क्रम में 1000 पिपली यानी 1000 पिपलियों के सेवन करने के लिए निर्देश किया है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में पाया है कि यह मात्रा अधिक है। तो जो हम कराते हैं, मैं हमेशा ये रसायन देता हूँ जलोदर, खासतौर से जलोदर रोग में, गोमूत्र में सिद्धित पिपली का प्रयोग करते हैं। पहले दिन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसा 10 पिपली तक बढ़ाते हैं। फिर 10 पिपली का सेवन 10 दिन तक लगातार करते हैं, फिर इसको फिर कम करते हैं 9, 8, ऐसा इस टाइप से, और उसी क्रम के आधार पर हम दुग्ध की मात्रा भी बढ़ाते हैं। पहले दिन मान लीजिए 1 गिलास दिया, फिर 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, जितना पेशेंट पी सके दुग्ध के साथ इसका सेवन, क्योंकि पिपली बहुत गर्म होती है। यदि पेशेंट दुग्ध नहीं लेगा तो उष्णता के कारण अनेक उपद्रव रोगी में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए दुग्ध का सेवन करके और वर्धमान पिपली रसायन का प्रयोग करना चाहिए। क्रम वृद्धा दशा हानि 10 पिपली के दिनम वर्धेत पैसा सार्धम तथा वो आपने अथवा अपना जीर्णा जीर्ण च भुंजित षष्टिकम क्षीर सर्पसा पिपली नाम सहस्त्रस्य प्रयोग एवं रसायनम, और रसायन का यदि प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पंचकर्म कराना पड़ेगा। तस्याम संशोधन ही शुद्धा सुखी जात बुलापना रसायनम प्रयुंजित तत्प्रयोगक्षामी शोधनम, सबसे पहले आप संशोधन कराएं उसके बाद रसायन बाजीकरण की औषधियों का प्रयोग करें तो व्यक्ति में व्याधि क्षमत्व खूब बढ़ता है और रोग प्रतिरोग क्षमता बढ़ जाने से संक्रमण जन्य होने वाली व्याधियां तो नहीं होती हैं, साथ ही जो रेगुलर व्याधियां हैं काज श्वास प्रतिशाय जो ये प्रकार की व्याधियां वो भी उत्पन्न नहीं होती। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल हम लोग 4 बजे उपस्थित होंगे और पंचकर्म व्याख्यान सीरीज प्रारंभ होगी। आप सबसे आग्रह है कि प्रश्न जरूर पूछें, कोई भी पंचकर्म से संबंधित आपको दिक्कत है, जो हमने व्याख्यान दिया है उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो सबको लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कल हम फिर से 4 बजे आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय आयुर्वेद।